जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए खुशखबरी के साथ आप सबके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, नए अपडेट के साथ। बहुत सारे बच्चों का लंबे समय से वेट था रेलवे में वैकेंसी को लेकर, वो भी आरपीएफ की। जी हाँ, आरपीएफ जिसको आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। लंबे समय से आपका वेट था, इंतजार था कि कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। तो समझिए कि अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है और रेलवे की तरफ से आरपीएफ में वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। और दो तरह के पोस्ट होंगे, दो तरह की वैकेंसी होगी, दो तरह की इसमें जो है पद होंगे। एक तो आपका रेलवे में सिपाही जिसको आप कांस्टेबल बोलते हैं, और एक जो पद होगा वो एसआई का होगा जिसको आप सब इंस्पेक्टर या फिर जिसको आप दरोगा बोलते हैं। तो इसका ऐसे ही नहीं, आपको हम ऐसे प्रूफ दिखाएंगे, प्रमाण भी देंगे कि भाई यहां से भी ये आपको हम बातें बता रहे हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देख रहिएगा, हालांकि आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये बातें कहां से हम आपको बता रहे हैं, बताने का जरिया क्या है, कहां से हम आपको ये प्रमाण के तौर पे दिखा रहे हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे में जो आरपीएफ की वैकेंसी आती है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, कैसे आप आरपीएफ में अपना फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम ऐसे खुशखबरी वाले अपडेटेड वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी इसकी बात की जानकारी हो जाए और वो भी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छे अवसर को ग्रैब कर सके, अवसर को भुना सके, लाभ उठा सके। तो चलिए आज के बहुत ही मजेदार खुशखबरी वाले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और आपको बताते चलें कि रेलवे पूरे भारत में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने वाला डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने हिंदी भाषी वाले क्षेत्र हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जितने हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रेलवे होता है। क्यों? क्योंकि रेलवे एक ऐसा विभाग है जहाँ पर इंग्लिश से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत, हालांकि मेहनत ही होते हैं लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश के प्रश्न यहां पर नहीं पूछे जाते हैं, तो इस वजह से अपने मेहनत के दम पे हिंदी भाषी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पर आसानी से सिलेक्शन पा लेते हैं। तो पहली च्वाइस आप सबकी होती है, सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है। तो आपकी मुराद समझिए कि पूरी होने वाली है, लंबे समय से आप वेट कर रहे थे जिस वैकेंसी का, वो वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और उसमें टोटल आपको बताते चलें कि टोटल कितने सीट होंगे, टोटल कितने पदों पर बहाली निकलेगी, तो लगभग आपको 12,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप दो तरह के पोस्ट होंगे, कॉन्स्टेबल का भी पद होंगे और दरोगा का भी पद होगा। कांस्टेबल की पदों की जो संख्या होगी, वैकेंसी उसकी ज्यादा होगी, दरोगा की पदों की संख्या, कांस्टेबल के पदों की संख्या के कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगी। आप अगर रेलवे में, आपका सपना है कि हम रेलवे में ज्वाइन करें, रेलवे में हम सिपाही बने, दरोगा बने, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए अब कमर कसने का वक्त आ गया है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, डिमोटिवेट नहीं होइए। आप एकदम लग के जितना मेहनत आप कर रहे हैं उससे आप प्रयास कीजिए कि और ज़्यादा हम मेहनत करें। आपका वैकेंसी वेट कर रहा है, आपकी नौकरी आपके लिए वेट कर रही है, बस कुछ समय का वेट आपको और कर लेना है, तैयारी करते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। तो आपको हम बताते चले दोस्तों कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें जनरल, EWS और OBC वाले बच्चों से फॉर्म अप्लाई करने के लिए फी चार्ज किया जाता है ₹500। और अगर आप SC ST वाले कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे चार्ज किया जाता है ₹250। और रेलवे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद से आपका पेमेंट रिटर्न भी हो जाता है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। ₹500 आपका रेलवे रखेगा नहीं, आपको जो है कुछ पैसा अपना काट करके आपको बाकी सब रिटर्न कर देगा आपके अकाउंट पे, परेशान नहीं होना है। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें योग्यता क्या होगी, आपके पास मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
तो आपके पास अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आप कम से कम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो देखिए दो तरह के पद हैं, एक तो कांस्टेबल जिसको आप सिपाही बोल रहे हैं, हम सिपाही की पद के लिए आपको मिनिमम बता रहे, कम से कम न्यूनतम आप समझ लीजिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आप रेलवे में आरपीएफ में सिपाही बन सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम रेलवे में दरोगा बने उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होगा ग्रेजुएशन, यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम, मतलब कि साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, कुछ भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। मतलब आपको ये है कि भाई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, आपका ऑनर्स पेपर मैटर नहीं करता है, बस आपको बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप रेलवे में जो दरोगा की बहाली आएगी उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में दोस्तों बताते चलें कि जब एज की क्राइटेरिया की बात की जाएगी तो इसमें एज मिनिमम रखा जाता है 18 वर्ष, मिनिमम कम से कम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए, और सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए मैक्सिमम एज रखा जाता है 25 वर्ष रखा जाता है। लेकिन आप अगर ओबीसी या फिर विशेष कैटेगरी के तहत आते हैं, और विशेष कैटेगरी में अगर आप ओबीसी के तहत हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट मिलता है, तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एज का लिमिट हो जाता है 18 से लेकर 25 प्लस 3, यानी कि 18 से लेकर 28 वर्ष। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपके लिए एज कितना होगा 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में मैक्सिमम एज में न्यूनतम एज में आपको कोई छूट नहीं मिलता है, मैक्सिमम एज में 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि बाकी बच्चों के लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट होगा, लेकिन आपके लिए अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपके लिए एज लिमिट 18 से हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपके लिए मस्ट है दोस्तों, इसी पर आपका मेरिट बनने वाला है, और उसके बाद से फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका दो तरह के टेस्ट किए होते हैं, एक होता है पीएसटी जिसको आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों पीईटी जिसको फिजिकल जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। तो पीएसटी में क्या होता है कि आपके हाइट वगैरह मापा जाता है, आपके चेस्ट वगैरह मापा जाता है, और पीटी में क्या होता है कि आपका रनिंग होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब आपका होता है। इसके बाद से आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। तो आइए आपको बताते चलें कि जो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में देखिए सबसे आपको पहले बता दें कि आपसे मैथ पूछेगा 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के पूछेगा। रीजनिंग में दोस्तों 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पूछता है, और जीके जिस में आपको टोटल अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन रहने वाला है, 50 नंबर का रहने वाला है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चंस की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100, और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो टोटल चूंकि 100 क्वेश्चन से तो टोटल मार्क्स भी कितना हो जाएंगे, तो 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा। उसके बाद अगर आप निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप गलती करते हैं तो आपका नंबर माइनस भी किया जाएगा, और इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग देखने को मिले। 1/3 का मतलब होता है कि एक गलती करने पर आपका 0.33 नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम समय की बात कर लेते हैं। समय आपको मिलता है टोटल 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा हो गया, तो 1.5 घंटा समय कम नहीं होता है, पर्याप्त समय है, और एक ही 100 क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा का समय है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाला है। यह आपका रिटन का हमने बात कर लिया। रिटन एग्जाम के बाद जब आप रिटन को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद से आपका होता है फिजिकल। क्या होगा दोस्तों? तो उसके बाद से आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में सबसे पहले होगा पीएचटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब कि आपके शरीर के हाइट वगैरह मेजर किया जाएगा, चेस्ट वगैरह मेजर किया जाएगा। तो हाइट की अगर आप बात करें तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि अगर आप लड़का हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर। वही अगर आप दोस्तों फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब आप लड़की हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर।
चेस्ट की बात करें तो लड़कों का चेस्ट जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद से 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट फूलना चाहिए, तो फूलने के बाद से मिनिमम आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, यानी कि 80 से 85 मतलब बिना फुलाए चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर, फूलने के बाद से मिनिमम 85, 85 से कम नहीं होना चाहिए, 86 हो जाए 87 हो जाए वो अच्छा है, लेकिन 84 हो गया तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लड़कियों के लिए चेस्ट की कोई बात नहीं की जाएगी। अब जब आप पीएचटी को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद से फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं हुई, इसको हम फिजिकल इफिशियंसी बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षण, परीक्षण या फिर परीक्षा बोल सकते हैं आप। इसमें सबसे पहले आपका रनिंग होता है और जो लड़के हैं मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 16 मीटर की दौड़ रहती है इसमें, और उसके लिए समय रहता है 5 मिनट 45 सेकेंड, ये आपको मैक्सिमम टाइम है, अगर आप इससे ज्यादा समय लेंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको प्रयास करना है कि 5 मिनट 45 सेकेंड से कम समय में आप अपने दौड़ को पूरा कर लें, इतना आपको स्टेमिना बना लेना है। वही लड़कियों की बात कर लें तो 800 मीटर की दौड़ होती है और इसके लिए समय रहता है 3 मिनट 40 सेकेंड का समय, ये मिनिमम समय है। इससे कम समय में लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, अगर आप इतना या फिर इससे ज्यादा समय लेंगे मतलब आप इतना भी लेंगे मतलब एग्जैक्ट आप 3:40 भी लेते हैं तो भी आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा ले लिए मतलब 3:41 से 3:42 ऐसे ले लिए तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। रनिंग के बाद से आपका हाई जंप, हाई जंप में लड़कों के लिए रखा जाता है 4 फीट आपको हाई जंप मतलब कि हाई जंप ऐसे ऊंची कूद आपको लगाना होता है, लड़कियों के लिए दोस्तों कितना है तो 3 फीट का ऊंची कूद हाई जंप है। वही लॉन्ग जंप की बात कर लें तो लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 14 फीट मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम 14 फीट से आपको कम लॉन्ग जंप नहीं लगाना है। वही लड़कियों के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप आपको इसमें रहता है। तो चलिए दोस्तों आपको हम प्रमाण दिखा देते हैं, प्रूफ दिखा देते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें आपको डिटेल में आप पढ़ के देख सकते हैं, और ये जो न्यूज है ये 8/10/2022 का न्यूज है, 8/10/2022 का जो समाचार पत्र है उसमें आपको ये बात कहा गया था कि भाई रेलवे में 3 लाख जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा पदों पर अभी जैसे आप लोग पता है कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकली थी पिछली उसका भी प्रोसेस चल रहा है, रिटर्न एग्जाम उसका हो रहा है, तो उसी का 3 लाख पदों में से उसी का ये कुछ पार्ट है। अब उसको निकाल के जो बाकी के पद खाली हैं उसी में आपको वैकेंसी आने वाली है, और उस वैकेंसी में आपको ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ में आपको ALP मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत ज्यादा आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, साथ में आपको RPF की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी जिसमें कॉन्स्टेबल पद के और SI पद के लिए वैकेंसी, दोनों पद के लिए वैकेंसी आपको रहने वाली है। तो ये आपका प्रूफ है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2022 के समाचार पत्र में आपको ये बातें निकली थी, दी गई थी, तो आपको विश्वास हो गया होगा कि भाई ये आपको जो भी अपडेट है ये ऑफिशियल समझिए कि मतलब ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं, इसमें कोई फेक जानकारी नहीं है, जो भी अपडेट है बिल्कुल सही है, जो भी जानकारी निकल के सामने आ रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको हम ये चीजें बता रहे हैं। तो आप अपना कमर कस लीजिए, सही समय है, इसमें से लगेंगे तो आने वाले समय में आपको जो है ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, और आपको जो है अपना मुकाम हासिल करने में सहूलियत होगी, आप कह सकते हैं कि आपको जो है आसानी से आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं, तो आपको भटकना नहीं है, वैकेंसी एकदम आने ही वाली है। आप ये मान के चलिए कि 2022 के लास्ट में तो नहीं लेकिन 2023 के शुरुआत में जनवरी फरवरी तक देखिए रेलवे ग्रुप डी की जो है प्रोसेस जो भी है, अभी आपका उसका रिटर्न एग्जाम हो ही गया, उसके बाद से आपका फिजिकल होगा, उसके बाद से मेडिकल वगैरह होगा, पूरा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद से आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2023 के
फरवरी के बाद मार्च अप्रैल के आसपास आपको रेलवे में बंपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी आपका 2024 में इलेक्शन है, तो सरकार का ये प्रयास है कि भाई हमने जो पिछली गलतियां की हैं और बच्चों की नज़र में, छात्रों के, विशेषकर जो छात्र हैं उनके नज़र में जो हमारा इमेज खराब हुआ है, उस इमेज को अगले एक साल में कहीं ना कहीं उसमें सुधारा जाए, प्रयास किया जाए कि वो बेहतर हो और बच्चों की नज़र में, छात्रों की नज़र में एक अच्छा इमेज बनाया जा सके। तो वैकेंसी भरमार है, वैकेंसी की भरमार है दोस्तों, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होना ही होना है। आप पे वेट मत कीजिए, तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आएगी ही आएगी। आप पे ये मान के चलिए कि 2023 में आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा ही होगा। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों ये आपको जो भी हमने बताया चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी जानकारी, उनको भी जानकारी पहुंच सके, मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खुशखबरी के साथ, नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो में। जय हिंद।